हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा द गाजी अटैक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कहीं ना कहीं अब गाजी अटैक ने पहला वीक तो ख़त्म कर लिया है और कहीं ना कहीं सेकेंड वीकेंड भी इसने ख़त्म कर लिया है, यानी कि जो 10वां दिन है, यानी कि सेकेंड फ्राइडे, सेकेंड सैटरडे, सेकेंड संडे भी इसने ख़त्म कर लिया है। सेकेंड वीकेंड अब ख़त्म हो चुका है और सेकेंड वीकेंड में इस फिल्म ने कितना कमाया अभी तक वो बताता हूँ। मतलब पहले पूरे 10 दिन की अर्निंग बता देता हूँ आपको, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। फर्स्ट वीक में इसने अच्छा खासा कलेक्शंस किया, लेकिन उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं था और लगभग अगर मैं देखूँ तो शायद 10 करोड़ तक का ही कलेक्शन था, 10 या 11 करोड़ के आसपास। अब जो सेकेंड फ्राइडे को इसने कमाई की थी वो 90 लाख की थी और सेकेंड सैटरडे को 1.05 करोड़ की अर्निंग की थी, और जो 10वां दिन आया था, 10वां दिन इस फिल्म ने 1.25 करोड़ की अर्निंग की थी, और यानी कि 1.25 करोड़ की अर्निंग की थी। और उसके साथ ही फिल्म का जो टोटल अभी तक का हुआ है वो हुआ है 15.05 करोड़, यानी कि फिल्म ने 15 करोड़ कमा लिए है सिर्फ हिंदी वर्जन के। और अगर हम तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन तीनों का कलेक्शन एक साथ देखें अभी तक का, तो वो 35 करोड़ के पार, मतलब पार हो चुका है। 35 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए है इस फिल्म ने तीनों वर्जन में, यानी कि मेकर्स कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अपना बजट जरूर रिकवर कर लिए होंगे। फिल्म को अभी तक हिट करार नहीं दिया गया है, शायद ये भी रीजन होगा कि शायद बजट के आसपास है अभी तक फिल्म, या अपना रिकवर नहीं कर पाई बजट। इस फिल्म को अगर किसी ने कड़ी टक्कर दी है तो जॉली एल्बी ने बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दी है। और सेकेंड ये फिल्म अभी सेकेंड वीक में ही है, सॉरी द गाजी अटैक, और जॉली एल्बी अपने थर्ड वीक में होने के बावजूद इस फिल्म को टक्कर देती नजर आई, और इसी के साथ कलेक्शंस इसके काफ़ी कम हुए हैं। और आई होप आप खुश तो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 15 करोड़ का कलेक्शन कोई बुरा नहीं है हिंदी वर्जन का। और आई होप इसी तरह ये फिल्म आने वाले दिनों में भी चलती रहे। और कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पाई चाहिए तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।